नमस्कार दोस्तों, मैं अनुप कुमार स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। आज इस वीडियो में देखेंगे राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में भी जो भी राज्य विश्वविद्यालय है उसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, बिग न्यूज आ रही है कि किन किन विद्यार्थियों का एग्जाम होगा और किनको प्रमोट किया जाएगा उससे रिलेटेड है। इस वीडियो में सारा कुछ देखेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कब एग्जाम होगा, कौन कौन से एग्जाम होगा, एग्जाम कैसे कराया जाएगा, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं, और ऐसी वीडियोज आती है तो हम सबसे पहले आपको देंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए कि इसकी जैसी न्यूज आएगी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले इस कटिंग की बात कर लेते हैं, इस कटिंग में क्या क्या दिया है, ठीक है, इस कटिंग में क्या क्या दिया है, सबसे पहले इसको हटा देते हैं। तो इस कटिंग में दिया है कि राज्य विश्वविद्यालय प्रथम वर्ष के सभी यानी फर्स्ट ईयर के सभी यानी आल लोगों को प्रमोट किया जाएगा, जबकि सेकेंड ईयर के जो है सिर्फ बीकॉम के लोगों को प्रमोट किया जाएगा। बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा, बाकी जो बच गए बीए बीएससी इनको क्या है एग्ज़ाम देना, बीए बीएससी सेकेंड ईयर वाले लोगों को, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये मैं नहीं कर रहा, एग्ज़ाम कटिंग में आपके यहाँ पर देख सकते हैं कि बीए प्रथम वर्ष के सभी छात्रों को प्रमोट यहाँ पे दिया है, प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं ताकि आपको दिख सके, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रमोट किया जाएगा और स्नातक द्वितीय वर्ष के केवल बीकॉम के स्टूडेंट्स को ही प्रमोट किया जाएगा, सेकेंड वर्ष के जो बीकॉम के स्टूडेंट होंगे उनको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ है कि एग्ज़ाम्स कब कराए जाएंगे, तो जो एग्ज़ाम है यहाँ पे पेपर कटिंग में साफ साफ देख सकते हैं आप, एग्ज़ाम जो है जुलाई और अगस्त में कराई जाएगी। क्यों, कब कराई जाएगी, जुलाई और अगस्त में इसकी एग्ज़ाम कराई जाएगी, और एग्ज़ाम कितने देर का होगा इसके लेकर भी काफ़ी लोग शंकाया कमेंट में पूछ रहे होंगे, काफ़ी वीडियोस मैंने देखा, काफ़ी लोग उसमें कमेंट में पूछते हैं कि कब एग्ज़ाम होने वाला, तो एग्ज़ाम जो है जुलाई अगस्त में, ये चीज़ क्लियर हो गया। और रहेगी बात कि एग्ज़ाम कितने देर का होने वाला है, तो एग्ज़ाम जो है डेढ़ घंटे का होने वाला है, मात्र कितने घंटे का होगा, डेढ़ घंटे का होगा। इसमें भी एग्ज़ाम्स जो है इसका पैटर्न थोड़ा सा आप एक बार देख लेंगे, पैटर्न क्या रहेगा हम पूरे डिटेल से आपके साथ बता देंगे ताकि आप दूसरा वीडियो के पास ना जाएं, इस वीडियो में सब कुछ क्लियर कर लें, ठीक है। तो ये पैटर्न जो है, जैसे कि आप लोग फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पेपर देते हैं, तीन पेपर देते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो इसमें क्या किया जाएगा, मात्र दो पेपर दिए इस बार होगा, मतलब दो ही पेपर आपको कंडक्ट कराया जाएगा एग्ज़ाम, और ये भी डेढ़ घंटे का ही पेपर होगा इसमें। तब दो पेपर कैसे होगा, तो शायद ये भी हो सकता है कि फर्स्ट और सेकेंड पेपर मिला के एक पेपर हो जाए, ठीक है, या सेकेंड और थर्ड पेपर मिला के एक पेपर हो जाए, किसी एक को मिला के एक पेपर बना के और एक एग्ज़ाम होगा, मतलब एक कोई फर्स्ट या सेकेंड कि एक एग्जाम हो जाएगा, एक पेपर हो जाएगा, और थर्ड पेपर तो थर्ड पेपर ही रहेगा, यानी सेकेंड या थर्ड मिला के एक पेपर हो जाएगा और नहीं तो फर्स्ट ही रहेगा। तो ऐसे करके आपके दो एग्जाम यानी दो पेपर कराए जाएंगे, तीन पेपर नहीं होगा, मतलब तीनों पेपर का एग्जाम नहीं होगा, दो पेपर का ही एग्जाम बस होगा, ये चीज होगा। और एक और चीज है कि जैसे जो बीए में है और जो बीएससी में है तो उनके एक प्रैक्टिकल एग्जाम भी होते, तो जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लेकर जो है शंका बना हुआ था, तो उस शंका को दूर करते हुए आपको बता देते इस बार जो है प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा, ठीक है, इस बार जो है प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा। साफ साफ इस पेपर में दिख चुका, पेपर कटिंग आज का है, तो सब कुछ आपको डिटेल बता दें, एक एक बार हम समराइज कर देते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं कि आपको आपको ध्यान रखनी है कि पेपर में क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। तो हम एक एक चीज़ आपको बता देते हैं, जो पेपर जो होगा इस बार, जो पेपर जो होगा कि बीए फर्स्ट ईयर और बीए फर्स्ट ईयर यानी को प्रमोट किया जाएगा और बीए सेकेंड ईयर को प्रमोट नहीं किया जाएगा, ठीक है। वैसे ही है जैसे ये है कि बीएससी, ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर को प्रमोट किया जाएगा लेकिन बीएससी सेकेंड ईयर को प्रमोट नहीं किया जाएगा। जबकि एक और चीज़ है इसमें जो है बीकॉम वाले के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि बीकॉम फर्स्ट ईयर वालों को भी प्रमोट किया जाएगा और बीकॉम सेकेंड ईयर वालों को भी प्रमोट कर दिया जाएगा। अब रही थर्ड ईयर की बात, जो थर्ड ईयर वाले काफ़ी ये पूछ रहे होंगे, काफ़ी वीडियो में परेशान हो रहे होंगे कि क्या चीज़ है, तो थर्ड ईयर की बात कर लेते हैं। थर्ड ईयर वालों का एग्ज़ाम होगा, 100% है कि एग्ज़ाम कराया जाएगा, राज्य विश्वविद्यालय द्वारा एग्ज़ाम कराया जाएगा। और एग्ज़ाम का क्या रहेगा, टाइमिंग सबसे पहले टाइम देख लेते हैं, टाइम जो होगा वो डेढ़ घंटे का होगा, ठीक है। और एग्ज़ाम जो है कब कराया जाएगा, जुलाई और अगस्त,
अगस्त में, पूरा अगस्त नहीं 15 अगस्त तक एग्ज़ाम करा लेना है। एक पूरा एडवाइजरी जारी कर चुका है यहाँ पे, पूरे जो है शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के दिनेश शर्मा जी, वो पूरा एडवाइजरी जारी कर देंगे 15 अगस्त तक एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। और रही कि एग्ज़ाम में कैसे के तीन पेपर है, जैसे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तीनों पेपर में से मात्र दो पेपर का एग्ज़ाम कराया जाएगा, तीनों पेपर का एग्ज़ाम नहीं होगा, वो भी 1.5 घंटे का। अगर इस वीडियो के बाद भी अगर आपको कुछ डाउट रह गया तो सीधे कमेंट बॉक्स में जाइए और पूछिए, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप किसी वीडियो यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे एग्ज़ाम कब होगा कैसे होगा। अगर इसके अलावा भी कुछ प्रमोशन से लेकर कुछ भी न्यूज आता है, एग्ज़ाम से लेकर कोई भी न्यूज आता है, तो सबसे पहले हम आपको देंगे, आपसे ये प्रॉमिस है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब एग्जामिनेंट को और बेल आइकन को दबा दीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए, थैंक यू।